नमस्कार, मेरा नाम है आकृति और आप मुझे सुनते हैं 92.7 बिग एफएम पर। ये दिल्ली है मेरे यार 5 से 9। और आज मैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ, विमेन ऑफ कलर और 92.7 बिग एफएम। क्योंकि होली और विमेन्स डे एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा खास मोमेंट है कि हम बात करें लड़कियों के बारे में, जिस तरह से वो अपना जीवन जीती हैं, जिस तरह से उनकी हर रोजमर्रा की लड़ाई होती है उसके बारे में, स्ट्रगल के बारे में, किस तरह से उसे वो यू नो उसमें जीत हासिल करती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है। ये पेशे से एक पॉलिटिशियन है और एक ऐसे यू नो एरिया में है जहाँ पर ज्यादातर आपको मर्द नजर आते हैं, मेन नजर आते हैं, लेकिन वहां पर ये इतने सालों से काम करती चली आ रही है। राइट नाउ शी इज एमएलए फ्रॉम मीरा भाईदर शहर। मैम थैंक यू सो मच। गीता जैन जी मेरे साथ है इस वक्त। थैंक यू सो मच मैम मुझे अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। हाय, मैं हूँ गीता जैन और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको विमेंस डे की और होली दोनों की ही बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सभी महिलाओं को और सभी हमारे नागरिकों को होली की और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैम शुरुआत करेंगे, आपके करियर के बारे में बात करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहां पर ज्यादातर औरतें नहीं देखी जाती हैं। कुछ लेकिन ऐसे नाम हैं जो दुनिया जानती है, जैसे इंदिरा गांधी जी, जयललिता जी, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, लेकिन बहुत कम नाम है जो हम उंगलियों में गिन सकते हैं। एक ऐसे प्रोफेशन को चुनना, किस तरह से चुनाव आपने किया, कैसी आपकी जर्नी रही एक मेल डोमिनेटेड एरिया में, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि बहुत कम नाम है। बिल्कुल, बहुत कम नाम है। और ये इसलिए कि मुझे हमेशा से कुछ नया करना था, कुछ हटके करना था, और बड़े उत्साह के साथ मैं हर वो नई चीज करती थी जो कभी मेरे सामने आती थी। आपको बताऊं कि शादी के पहले पॉलिटिक्स क्या है वो मैंने कभी जाना भी नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं की। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। पर शादी जब हुई मेरी, तब ऐसे परिवार में हुई कि वहाँ बहुत सारा ऐसे पॉलिटिकल माहौल था। मेरे ससुर जी सरपंच से जिला परिषद अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो पूरे दिन बातें घर में जो चर्चा होती थी वो पॉलिटिक्स 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 के लिए बहुत सारी होती थी। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी आने लगा और मैं मेरे ससुर जी को मदद करती थी हमेशा उनके चुनाव में, उनकी बैक ऑफिस संभालने में। एंड मैं खुद उसके बाद जब वन नाइस डे मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि ओके कम ऑन नाउ यू आर एंटरिंग इन अ पॉलिटिक्स, यू टेक पार्ट इन अ एक्टिव पॉलिटिक्स एंड एक इलेक्शन जरूर लड़ना है आपको कॉर्पोरेटर का, एंड दैट टाइम आई वॉज इन माई टू माइंड्स, बिकॉज तब मैं अपना बिजनेस भी संभाल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ कंस्ट्रक्शन का। मैंने उसके पहले प्लास्टिक की फैक्ट्री संभाली उनकी, एंड देन वी शिफ्टेड टू कंस्ट्रक्शन। तो मैं मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एंड देन द फर्स्ट थिंग वॉज फर्स्ट वॉज द पुश कि ओके आप एक इलेक्शन लड़के देखिए, ये तो ऐसी चीज है कि अगर दूसरा नहीं लड़ना है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक, तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और फिर मेरे सामने मेरे आइडल्स, आपने अभी जिसका नाम लिया, इंदिरा गांधी जी का नाम लूंगी, वो मेरी आइडल थी। लाइक नॉट इन पॉलिटिक्स बट मेरे एक मन में हमेशा से था कि उनके जैसा स्ट्रॉन्ग कुछ तो बन के दिखाना है। एंड लकीली मुझे फील्ड भी सेम मिल गया। सुषमा जी है, सुषमा स्वराज अगेन मेरे बहुत आइडल रहे। और स्वतंत्र काल में भी महिला बहुत कम थी, आप देखिए बहुत कम नाम है। तो मुझे हमेशा से रहा है कि जहां बहुत कम महिलाएं हैं वहां तो मुझे पक्का जाना है। क्या बात है, क्या बात है मैम। तो मैम जब आपने एंटर किया, ऑफ कोर्स अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हर महिला को इतना सपोर्ट शादी के बाद नहीं मिलता है जितना आप बता रही हैं। तो आपके लिए जितना मैं देख पा रही हूँ थोड़ा आसान रहा शादी के बाद वो सपोर्ट लेना एक पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए? देखिए पॉलिटिक्स में इंस्पिरेशन हो सकता है, सपोर्ट भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन करना आपको खुद को ही पड़ता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कभी मेरे मन में भी जो नहीं था, मेरे ससुर जी की वजह से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और घर में बहुत सारा पॉलिटिकल वातावरण था। और 2002 में जब मैं फर्स्ट इलेक्शन लड़ी तो उसमें भी इंस्पिरेशन वही थे कि लड़के देख लो एक बार, नहीं पसंद आए तो वापस आ जाना। पर आज मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहती।
I'm happy. कितना भी लोग कहे कि बहुत स्ट्रेस रहता है, बट यू नो एक स्वभाव हो जाता है कि आप स्ट्रेस को भी एंजॉय करने लगते हैं. सो आई एम एंजॉयिंग माई फील्ड. यस, तो मैम आप इंस्पिरेशन है एक्चुअली मैं उन लड़कियों के लिए जो घर में भी चीजें देखती हैं और बाहर भी चीजें संभालती हैं. तो आपका उसमें क्या टेक है कि कितना सपोर्ट फैमिली का उसमें रहता है और किस तरह से और फैमिलीज को भी ये समझना चाहिए कि इफ एज अ वर्किंग वुमन इन योर हाउस तो आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा. 100% आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप मेरी फील्ड की बात करें तो मेरा ना बाहर जाने का समय तय होता है, ना घर लौटने का समय तय होता है. मैं घर में बहुत लेट कभी कभी आती हूँ, आधी रात को भी आती हूँ, और वर्किंग आवर्स तो कोई फिक्स नहीं है. तो जब तक आपको ये सपोर्ट नहीं रहे, शायद मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नो पैलेस. इट इज ट्रू फॉर बोथ. ऐसा नहीं है कि मैं लेडीज हूं इसलिए नहीं, लेकिन एक पॉलिटिक्स में फैमिली को थोड़ा सेक्रीफाइस, इट इज नॉट दैट ओनली अ पॉलिटिशियन इज सेक्रीफाइस, पॉलिटिशियन के साथ साथ फैमिली को भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफिकेशन करना पड़ता है. और करो तो स्मूथ जाता है, नहीं करो तो भी जिसको जो काम करना होता है वो करना ही पड़ता है, करते ही है, लेकिन स्मूथली विदाउट एनी टेंशन अगर ये सपोर्ट के साथ करे तो करने में आनंद ही और आता है. एंड लकीली आई एम वन ऑफ दैट दैट आई गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन इन माई फैमिली, बी इट माई डॉटर, बी इट माई हस्बैंड, बी इट माई इन-लॉज. दे ऑल आर ऑलवेज इंस्पायरिंग एंड सपोर्टिंग मी. That's beautiful, ma'am. लेकिन आपके करियर की ही बात करें तो बहुत कम औरतें होती हैं और बहुत सारी जगह पर मेल डोमिनेटेड स्पेस रहता है. अगर कॉर्पोरेट की भी बात करें तो वहां पर भी. तो जब आपने पॉलिटिक्स में एंटर किया तो क्या आपको ऐसा लगा कि लड़की या औरत होने के नाते थोड़ा सा मेरी चीजों को ज्यादा नहीं सुना जा रहा है, या उसके लिए आपने थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रगल किया कि आपकी आवाज सुनाई दे, और वॉज इट स्मूथ? 100% मैडम, ये होता ही है. राजनीति में आने के बाद हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम और किसी, देखिए मैं अगर मेरे मेरे इलेक्शन की बात करूं तो मुझे मेरे सामने पुरुष था लड़ने के लिए, और अगर उसे हरा के मैं आई हूं तो इसका मतलब है मुझे बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा होता है कुछ हम नई चीज लेके जाते हैं तब बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, ये महिला है इसे क्या मालूम पड़ेगा, ये वाली चीज होती है. तब प्रूव अगेन ऑन दैट स्टेज के भाई महिला है, लेकिन भाई एक पुरुष को ही तो हरा के आई है और हमने अपने आप को साबित करके ही तो इस फील्ड में आई है. और राजनीति में आने के बाद महिला पुरुष का फर्क यूजुअली तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं. लेकिन ये सब फील्ड में है, सिर्फ राजनीति में नहीं. मुझे लगता है आपको भी ये आता होगा कि भाई यू हैव टू प्रूव. हर फील्ड में महिलाओं को बार बार प्रूव करना होता है कि नहीं, इट इज बिकॉज वी आर कैपेबल, वी आर हियर. और दूसरा, आप अचानक से अच्छे पोस्ट पे चले जाओ, अच्छी आपको मिल जाए बढ़ोतरी, तो उसके भी अर्थ अलग निकलते हैं कि भाई क्या मालूम कैसे हो गया ये अचानक, वो उस लायक तो नहीं थी. बट एवरी टाइम आपको प्रूव ही करना है कि भाई ये हमारी लायकी थी, इसलिए हम यहाँ हैं और हम यहीं रहेंगे और हम प्रूव करते रहेंगे कि हम आपसे बहुत अच्छे हैं. अरे वाह मैम, वाह. आपने मैम अपनी अपनी जीत के बारे में मेंशन किया. मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको याद है जब आपने पहली बार जब आपको वो जीत मिली थी जिसकी आप चाह कर रही थी, वो कैसी फीलिंग थी और उस दौरान आप किन लोगों के बारे में सोच रही थी? देखिए मैं एक बात कहूं तो पहली जीत एज एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर मैंने लड़ा था, और वो जीत भी मुझे इतनी बड़ी लगी थी कि मैं इंडिपेंडेंट जीत रही हूं और एक कॉर्पोरेटर बन रही हूं. बट आई डोंट थिंक सो, पर वो जो एक्साइटमेंट और उसके बाद वो जो जुनून कि अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा. आपको एक बात बोलूं तो हमारी सभी मीटिंग्स मराठी में होती है और मैं राजस्थान से हूं तो मेरा मराठी बहुत अच्छा नहीं था, तो लोग मेरी मराठी की भी मजाक उड़ा रहे थे कि आप तो कैसे गलत मराठी बोल रहे हैं. लेकिन मेरा एक ही सवाल होता था कि मैं जो बोली वो आप समझ गए. कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. मेरे विचार आप तक पहुंच गए तो मैं सक्सेसफुल हूँ. तो भाई मैंने इसी तरह से अपना सफर शुरू किया, और ये
अभी जो लास्ट इलेक्शन था मेरा एज अ कॉरपोरेटर इन 2019, मैं पूरे एरिए में सबसे ज्यादा वोट से जीती हूँ. आई वॉज नंबर वन इन माय फुल मीरा भाईंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ कॉरपोरेटर. और मैं उस समय भी मैंने प्रूव किया कि भाई मैं आप सबसे काफी आगे हूँ, और जो एक्सेप्ट करने में पुरुषों को काफी समय लगता है. उसके बाद मैं मेयर बनी 2015 to 17, I was a mayor. तो मेयर का भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन फिर वही मेयर इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड देन दैट एक्सेप्टेंस एज अ लेडी कि व्हाई शी इज हेड, वो थोड़ा सा पुरुषों के लिए डिफिकल्ट जाता है. और वो भी उस लेडी के साथ जो अपने निर्णय खुद ले रही है, वो भी उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन धीरे धीरे हमने वो प्रैक्टिस डाल दी है कि भाई ओके, आई एम अ लीडर हियर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सो ये रहा पुरुष प्रधान है, बिल्कुल सही है. मैंने कहा ना, बहुत बार हमें सुनना पड़ता है, अरे आप महिला है ना, बैठ जाइए ना, महिला को क्या ये मालूम पड़ेगा. लेकिन हर बार हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि महिला को बहुत कुछ मालूम पड़ता है एंड हम कहीं भी कम नहीं है. इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी मैं. एक बार चलिए हमने एंटर कर लिया किसी फील्ड में जिसे हम पसंद करते हैं, वहां पर सस्टेन करना बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल होता है. कि एक मैं ऐसा कहना नहीं चाहूंगी लेकिन ये सत्य है कि एक मर्द का जो वर्किंग करियर टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर सम पॉइंट उसे सस्टेन करना. तो आपके हिसाब से वो कैसा माहौल है? देखिए, मुझे लगता है कि आप अपना कहीं भी कोई भी फील्ड हो, आप अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम. अब मेरी फील्ड लो तो मुझे समाज से, हमारे परिवार का एक ये संस्कार था कि आपको जो कुछ भी आप पूरे दिन में, चाहे वो अर्निंग के रूप में हो चाहे काम के रूप में हो, लेकिन आपको समाज को कुछ वापस देना है. ये आपका नैतिक मॉरल अधिकार है, जिम्मेदारी है. तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी इसी विचार के साथ शुरू किया था कि मुझे पॉलिटिक्स ऑफकोर्स थोड़ा सा इस फील्ड में हो तो करना है, लेकिन समाज सेवा बहुत ज्यादा करनी है. और मैंने वो ईमानदारी से किया. मैं आपको बताऊं तो मैं जब 2019 का इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन लड़ी, विच इज नॉट अ जॉब. आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट की संख्या वैसे ही बहुत कम होती है, और उसके बाद महिला इंडिपेंडेंट वो तो और कम होती है. तो ऐसे फील्ड में, ऐसे समय में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा मीरा भाईंदर से. और तब वो समय था कि जब 100 में से 90 लोग बोलते थे, अरे आप इंडिपेंडेंट इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पागलपन कर रहे हैं, आप बिल्कुल हार जाने वाले हो, और सामने इतने बड़े आदमी के सामने आप लड़ रहे हो तो आपकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप जीत सको. लेकिन देखिए, आपको निराश हताश करने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं, और उस समय जरूर होता है कि हम हमारा स्ट्रांगनेस दिखाए कि ठीक है. मैंने कहा ठीक है, नहीं जीतेंगे, मैं मुझे खुशी होगी कि मैं लड़ी और लड़ने के बाद हारी. मैं बिना लड़े हार जाऊंगी तो मैं शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ कि जीत गई तो मैं साबित कर लूंगी कि मैं जीतने के काबिल थी, और हार गई तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बिना लड़े हारी नहीं, मैं लड़ के हारी. तो वो दोनों पॉइंट सामने रख के मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, और लोगों का और भगवान का साथ था कि आज मैं जिस पद पे हूँ. आई थैंक एवरीबडी फॉर दैट. सो मैम, आपने अपने आसपास, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने अपने आसपास औरतों की कंडीशंस देखी होंगी अपने एरिया वगैरह, अपने एरिया में. तो आपको कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट कही जाती है कि आपको अगर ये जानना है कि कोई नेशन कितना डेवलप्ड है तो ये देखिए कि वहाँ की औरत कितनी डेवलप्ड है, कितनी आजाद है. तो आपने अपने आसपास क्या बदलाव वक्त के साथ देखे, और कहाँ पर आपको लगता है कि और बदलाव की जरूरत है? ये मैं फिर कहूंगी कि आजकल महिलाओं की स्थिति में काफी कुछ सुधार हुआ है, स्पेशली शहरों में. लेकिन गांवों में वो सुधार अभी तक, कहूंगी कि नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद गांवों के सुधार, क्योंकि वहां आज भी महिलाएं फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और इट इज बिकॉज ऑफ दैट वो शायद अपना इलाज भी करवाना चाहे तो पति की अनुमति लेनी पड़ती है. आज ही मेरी एक साइकेट्रिस्ट से जब मैं मिली तो बोले कि वहां महिलाओं को आधे इलाज इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो
आर्थिक रूप से उन पे डिपेंडेंट होती है। तो मैं चाहूंगी कि गांव की स्थिति और ज्यादा सुधरे, शहरों में तो काफी कुछ हम इम्प्रूव कर चुके हैं, यहाँ महिलाएं अभी भी इंडिपेंडेंट है, वो अपने निर्णय लेती है, वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है। अब गांवों में भी ये सिनेरियो बदलता जा रहा है, लेकिन अगर आपको अपने एज यू राइटली सेड कि अगर किसी शहर की उन्नति देखनी है तो वो वहां की महिलाओं को देखिए कि वो कितनी आगे हैं। राइटली सेड कि जरूर मैं यहाँ कहूंगी कि महिलाएं कितनी सक्षम है और कितनी आगे है वो देखना है, तो महिलाओं को तो जरूर देखना चाहिए उस शहर का प्रतिबिंब महिलाएं हैं। जी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की आपने बात की मैम, ये भी एक मेरा सवाल था कि कितना, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा कि हर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए? देखिए, अगर औरत चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको सबसे पहले उसको अपनी इच्छा शक्ति चाहिए। कोई ऐसा काम घर बैठे भी बहुत सारी महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए उसकी इच्छा शक्ति चाहिए। आजकल इतने छोटे छोटे उद्योग हैं, हम महिलाओं के लिए अलग से इतनी स्कीम्स हैं, लोन्स हैं, तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है अगर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होना चाहे तो। हम जैसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। मैंने काफी सारी महिलाओं को आर्थिक रूप से आज भी स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया है और मैं करती भी हूँ। मेरे शहर की काफी सारी औरतें रिक्शा चलाना भी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी औरतों को मैंने रिक्शा बांटे हैं और रिक्शा भी औरतें चला रही है। काम कोई भी छोटा नहीं होता, ये मैं उनको समझाने में सफल रही हूँ, और ऐसी औरतें यहाँ बहुत सारा काम कर रही हैं। मेरे साथ 7,000 लोगों का नारी सशक्तिकरण का एक ग्रुप है जिनको मैं एम्पावर कर पाई हूँ, एंड आई थिंक वो मैं अपना माइलस्टोन गिनती हूँ। बिकॉज पॉलिटिक्स के अलावा जब आप समाज सेवा में सेटिस्फाइड होते हो तो इट इज अ ग्रेट थिंग टू फील एंड टू से। How beautiful, ma'am. यही मैं चाहूंगी कि आप हर दिन ऐसा फील करें और ऐसा ही आपका हर दिन जाए मैम, क्योंकि होली और विमेंस डे साथ में आया तो सवाल एक जहन में आता कि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर मैंने देखा है बचपन से ही, हम जानते भी हैं कि लड़कियां ज्यादा होली खेलने नहीं जाती, चलो बेटा घर पे रहो, या बड़ी हो गई हो अब मत जाओ बाहर होली खेलने के लिए। तो होली और विमेंस डे साथ में पड़ रहा है इस बार, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी होली ये त्योहार को आप कैसे देखती हैं, विमेन की इंडिपेंडेंस से अगर मैं बात करूँ तो? और तो क्या, देखिए अगर अगर आपकी इच्छा है, अगर आप लाइक करते हैं कि आप होली खेलना अच्छा लगता है, तो आप महिला है या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महिलाओं को भी उतनी ही स्वतंत्रता के साथ होली खेलनी चाहिए अगर वो लाइक करती है खेलने के लिए, और कोई कारण नहीं है कि त्योहार मनाने से किसी औरत को रोका जाए। चाहे लड़की छोटी है चाहे बड़ी है, त्योहार मनाने का हक है उसका और वो हक उसे मिलना चाहिए। और हक अगर नहीं मिलता है तब हमें लगता है कि हमें सबको मिलके उसके सामने आवाज उठानी चाहिए कि ये हमारा हक है हमें दीजिए। होता क्या है कि कभी कभी औरतें चुप रह जाती है कि ठीक है शायद ये मेरे नसीब में है, नसीब बदलना भी अपने हाथ में है। मैं जरूर ये कहूंगी कि ऑफकोर्स हमें भगवान का आशीर्वाद तो उसके लिए चाहिए, लेकिन बदलने की कोशिश तो करिए, सिनेरियो बदलने की कोशिश तो करिए और मर्यादा मत छोड़िए। मैं फिर कहती हूँ कि महिलाओं की अपनी एक मर्यादा है, मैं कभी भी उस मर्यादा के बियॉन्ड जाने की बात नहीं करती हूँ। आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाओं की अपनी एक पहचान है उसे भी आपको कायम रखना है। बहुत सारी महिलाएं फेमिनिज्म में ये देखती है कि मैं ये काम नहीं करती तो मैं बहुत मॉडर्न हूँ। नो, डू एवरीथिंग, इट इज योर ड्यूटी। और हमारी पहचान है कि हम मल्टीटास्किंग लोग हैं, तो उस वो पहचान को मत छुइए। आप अपने आर्थिक रूप से स्वतंत्र बिल्कुल होइए, ऑफिस में काम करिए, सभी जगह काम करिए, अपनी पहचान बनाइए। ऐसा महिला अपनी पहचान बनाए, कोई मुझे कहे कि अगले जन्म में वापस महिला बनूंगी या नहीं, मैं बिल्कुल बनूंगी, महिला ही बनना चाहिए और हमें तो साबित करना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैम इतना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी जरूरत होती है, जिसकी हमने शुरुआत में भी बात की थी। लेकिन मैं अगर बात करूं कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी औरतें हैं जो आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम रही है इस विमेंस डे, जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहेंगी एंड ऑफ कोर्स आपकी इंस्पिरेशन रही है? See, first of all, my mom, she stood with me when everybody was against of my going to college and finishing my degree. So she was a very strong woman to be with me for my studies.
everybody in my house, my mother-in-law, she supported me a lot to go out and work. And as I said, कि मेरा field ऐसा है कि एनी टाइम यू कम, रात को भी आ रहे हैं. देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस महिलाएं जब रात को आधी रात को आती है तब होता है, लेकिन उस समय भी उनका सपोर्ट मुझे काफी रहा. फिर मेरे सामने मेरे बहुत सारे मॉडल आइडल्स थे, जैसे मैंने पहले ही नाम लिया, इंदिरा जी थी, वैसे सुषमा स्वराज जी थी, आज की डेट में कहूँ तो स्मृति जी हैं. बहुत सारी वो सफल महिलाएं हैं जिनका नाम मैं ले सकती हूँ जो मेरे इस फील्ड में है. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम माय फील्ड बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं जो सफल हैं, बहुत सारे दूसरी फील्ड में गायिकाएं हैं वो बहुत सफल है. लता जी को मैं हमेशा अपना एक आइडल मानती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अलग फील्ड में अपनी जो पहचान बनाई है शायद किसी के लिए पॉसिबल हो. सो चूज वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट, पर उसमें यू ट्राई टू बी द बेस्ट. That's my mantra, and these are the person. एक आप गृहिणी से भी अपना inspiration ले सकती हो. She works a lot and still handling everything is also my inspiration कि how she handles everything. तो ये inspiration के लिए हम बाजू में महिला को देखे तो भी हो सकते, लेकिन ये कुछ नाम है जिन्होंने मुझे काफी प्रभावित किया. That's beautiful, ma'am. एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, Women's Day पर कोई एक message जो आप देश की औरतों को देना चाहेंगे? जरूर, बिलीव इन योर सेल्फ. हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमें कहते हैं कि आप महिलाएं आप शायद नहीं कर पाओगी, या हम काम कुछ शुरू करने जा रहे हैं और हमें पहले ही, मैंने कहा ना मेरे इलेक्शन में लोगों ने कहा था कि आप 100 में से 90 लोग के आप नहीं जीत सकते, लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ. आपने अगर ठान ली है कि ये कुछ करे तो आप उसको अपनी आखिरी कोशिश भी करते रहिए कि हम वहां तक पहुंचे. नेवर गिव अप. और अगर नेवर गिव अप वाला मंत्र है, और लड़ने में से मत घबराइए, चैलेंजेस लेने से मत घबराइए. आप महिला हैं इसलिए चैलेंजेस नहीं ले सकती, इस बात को दिमाग से निकाल ले. मैं तो कहती हूँ कि जितनी चैलेंजेस देखे सामने से लीजिए, ताकि इट इज अ गुड ट्रेनिंग फॉर यू टू टेक द चैलेंजेस एंड डू इट सक्सेसफुली. सो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग. हमें हकीकत में कदम कदम पे जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करके ट्रेनिंग मिलती है, वो दुनिया का कोई ट्रेनर हमें चैलेंज नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता. सो टेक ऑल द चैलेंजेस एंड कभी मत घबराइए. आगे कितना भी बड़ा हर्डल हो उसे आप जरूर पार कर पाएंगे इस विश्वास के साथ. और अपने साथ जो भी महिलाएं हैं, दूसरी महिलाओं को मदद जरूर करें, क्योंकि पुरुष शायद करे ना करे, पर महिला ने उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ, ताकि हर महिला आगे आ सके. सही बात है मैम, हर औरत को दूसरी औरत की मदद करनी पड़ेगी, हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे. और ये जो त्योहार है इन्हें भी हमें इक्वालिटी के साथ मनाना चाहिए. यही होली का त्योहार इस बार कह रहा है. हैप्पी वुमेन्स डे टू यू मैम, एंड हैप्पी होली टू यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. होली के जितने रंग है उतनी खुशियां आप सभी के जीवन में आए, यही कामनाओं के साथ हैप्पी होली, हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू मैम, धन्यवाद. 92.7